छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या 13,000 हो चुकी है, लेकिन यहां सुरक्षा के नाम पर 4 गार्ड भी नहीं हैं। यही वजह है कि पिछले 6 महीने में यहां पर अवैध हथियारों के साथ प्रदर्शन, मारपीट के कई मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन सामने आया, जब एक लड़की से छेड़छाड़ के बाद दो पक्ष आपस में उलझ गए। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही पहले एक लड़की से छेड़छाड़ की गई, जिसके बाद उसने अपने भाइयों को मौके पर बुला लिया, लेकिन जिस लड़के के द्वारा छेड़छाड़ की जा रही थी उसने भी अपने साथियों को यूनिवर्सिटी कैंपस में बुला लिया। इसके बाद दोनों पक्षों में अवैध हथियारों के साथ मारपीट की घटना सामने आई। दो युवकों को लगभग 1 दर्जन युवकों ने बुरी तरह पीटा भी, कई लोगों पर डंडे बरसाए गए। यूनिवर्सिटी में इस हंगामे की खबर मिलते ही रजिस्ट्रार डॉक्टर जेपी मिश्रा सहित अन्य स्टाफ के लोग बाहर आए और तुरंत पुलिस को सूचित किया। सिविल लाइन TI पुष्पेंद्र मिश्रा और पुलिस बल यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचा, तब तक लड़के भाग चुके थे। एक्चुअल हमारे यहाँ तिमाही छमाही परीक्षाएं संचालित हो रही हैं राज्य शासन के निर्देशानुसार, और लड़कों का परीक्षा चल रही है और आउटसाइडर्स लड़के कुछ आ गए थे। और मैं ऐसा भी मानता हूँ कि आज जो दिवस है, हो सकता है उसके कारण भी कुछ ऐसा रहा हो। तो मारपीट लड़कों ने आपस में की है, कुछ आउटसाइडर्स लड़के जो है आए हुए थे, चूँकि मैं यहीं बैठा था तो जो आउटसाइडर्स लड़के आए थे उनको हमने पकड़ लिया, उनकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है, तो वो भाग भी गए हैं। तो और दो ग्रुपों में झगड़ा हुआ है, और वो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जैसा कहा जा रहा है, अभी सच में तो नहीं आया है, कि किसी लड़की को छेड़ने के लिए कुछ लड़के आए हुए थे और उन्होंने इस तरह का काम किया, तो दूसरा ग्रुप भी आके आपस में मारपीट कर गया। और हमने तत्काल पुलिस माननीय TI सिविल लाइन को सूचना दी थी और वो तत्काल आ गए हैं और व्यवस्था कंट्रोल में है। वैलेंटाइन भी क्यों उससे? अब ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मारपीट भी हुई है सर। हाँ, मारपीट भी हुई है ऐसा बताया जी, हथियार भी लिए थे वो लोग। नहीं, हथियार ऐसा बताया गया, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन देखा गया कि हथियार वगैरह भी लिए हुए थे। तो हमारे पास तो जैसे ही सूचना आई तो मैंने तुरंत माननीय TI साहब को कॉल किया और तुरंत पुलिस आ गई। उसके बाद जो है अभी पुलिस बैठी हुई है। गाड़ी जब्त की गई है? हाँ, एक गाड़ी मोटरसाइकिल थी, आउटसाइडर लड़का लग रहा था, वो मैंने ही पकड़ ली थी। यूनिवर्सिटी की ये घटना छोटी नहीं है, यहाँ 13,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा में कोई प्रबंध ना होने के कारण अक्सर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, किसी दिन बड़ी घटना भी घटित हो सकती है। हालांकि यूनिवर्सिटी के कुल सचिव डॉक्टर JP मिश्रा कहते हैं कि उन्होंने एक पुलिस चौकी की मांग की है, लेकिन इसके अलावा भी कई और कदम उठाने की जरूरत है। दरअसल यूनिवर्सिटी कैंपस में विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म कोड का पालन नहीं कराया जा रहा है, ऐसे में पता नहीं लगता कि आउटसाइडर विद्यार्थी कौन हैं और पढ़ने वाले छात्र छात्राएं कौन हैं। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी परिसर में गार्ड की पर्याप्त तैनाती नहीं की गई है, यहाँ पर पुलिस चौकी की आवश्यकता है जो कि नहीं बनी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के रास्ते पर पुलिस लाइन तिराहे से लेकर नंबर 1 तिराहे तक पूरे मार्ग पर कई अवैध दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है। यहाँ पर मोबाइल से लेकर चाट पकौड़ी की दुकानें संचालित हो रही हैं, जिससे ये छेड़खानी के अड्डों में तब्दील हो गए हैं। इन्हीं गुमटियों और डिब्बों पर खड़े होकर लड़के अक्सर लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लड़कियां कई बार इस मामले में परेशान होकर शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। अगर भविष्य में भी इस तरह के कदम नहीं उठाए गए तो यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई बड़ी घटना घट सकती है। अब ये है कि हम तो ये कहेंगे कि पुलिस की एक चौकी ही यहाँ बना दी जाए, तो समय के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 13,000 विद्यार्थी हमारे यहाँ हैं और कैंपस बड़ा है, तो पुलिस चौकी यदि बन जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे मामले पहले भी हुए हैं? हाँ, ऐसे मामले एक दुक्का आए थे पहले, तो हमने उन लड़कों को उनके गार्जियंस को चिन्हित करके बुला लिया था और उनसे अंडरटेकिंग ले लिया कि भविष्य में यदि इस तरह की पुनरावृत्ति आपके छात्र द्वारा की जाती है, आपके बच्चे द्वारा की जाती, तो हम उसका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो उसकी पुनरावृत्ति फिलहाल नहीं हुई है, नए तरह के लड़के थे।